नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। धनबाद पूर्वी टुंडी प्रखंड रामपुर पंचायत में सड़क बनने की प्रक्रिया हुए शुरू। पिछले कई सालों से रामपुर पंचायत के लोग थे बहुत ही ज्यादा परेशान जर्जर सड़क से। रामपुर पंचायत के ग्रामीणों ने लगातार इसके लिए लगाई गुहार। टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी, आथा विधायक जी, इनके बातों को लिया संज्ञान में। फिलहाल अभी कोपली गांव से सड़क बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पूरे पंचायत में सड़क जर्जर पड़े हुए हैं अभी। इस खास मौके पर देखिए हमारी इस रिपोर्ट को हमारे संवाददाता द्वारा। ब्यूरो रिपोर्ट, मोहम्मद फारूक अंसारी, गणतंत्र न्यूज, पूर्वी टुंडी। आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज और हम अभी मौजूद है पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत के अंतर्गत। और अभी इस वक्त जो पीछे की नज़ारा आप देख रहे हैं या फिर आप जो ये रोड देख रहे हैं, ये वही सड़क है जो पूरे रामपुर पंचायत के ग्रामीण इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। विगत 10 सालों से इस पूरे रामपुर पंचायत में सड़क इतने ज़्यादा खराब थे, इतने ज़्यादा जर्जर थे कि यहाँ के लोग इससे परेशान थे। यहाँ तक कि इससे सटे दूसरे पंचायत के लोग भी इससे परेशान थे। लेकिन आज ग्रामीणों की जो संज्ञान है, जो ग्रामीणों की जो परेशानी है, जो परेशानी था, उन्होंने झारखंड सरकार ने सुना। और आलम यह है कि आज ये रामपुर पंचायत में जो सड़क पूरा जर्जर खराब पड़े हुए थे, आज उसकी यहाँ से बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है, चालू हो चुका है और काम शुभारंभ हो चुका है। अभी फिलहाल ये रोड कोपली से जाने वाली जो सड़क है रामपुर मोड़ की ओर तक, इसमें बस्ती भी आते हैं, तहाँ तक अभी शुरुआत हुई। अभी पूरा रामपुर पंचायत में सड़क बनी नहीं है, लेकिन प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जिससे एक बार ये साबित हो चुका है कि झारखंड राज्य में कि हेमंत है तो हिम्मत है। इस सड़क से इतने ज़्यादा परेशान थे लोग कि इस सड़क ही में 2 सरकार इससे पहले चेंज हो चुके। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, जो उस टाइम की मुख्यमंत्री थी रघुवर दास। अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। बीजेपी आई, उनके कार्यकाल में सड़क नहीं बना, लोग ऐसे परेशान रहे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के कार्यकाल में ये सड़क बनने की प्रक्रिया में स्टार्ट होने लगी। अभी आप देख सकते हैं कि लोग वहाँ पे हैं और सड़क का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। और ये अभी यहाँ से चालू हुआ है, पूरा रामपुर पंचायत में सड़क खराब पड़े हुए हैं, पूरे रामपुर पंचायत में सड़कें बनाई जाएगी। बस शुरुआत अभी यहाँ से हो चुकी है और इससे एक चीज़ फिर जाहिर हो गया कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है, यहाँ के टुंडी पूर्वी टुंडी प्रखंड या फिर टुंडी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं श्री मथुरा प्रसाद महतो जी ने ग्रामीणों के बात को, अपने विधानसभा के लोगों के बात को संज्ञान में लिए, संज्ञान में लेते हुए सड़क का आज निर्माण होने जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये हम ये नहीं बोल सकते हैं कि रामपुर पंचायत की सड़क बनने जाए, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि अभी से इस कोपली से जो स्टार्ट है सड़क, यहाँ से बनने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और बहुत ही दिन यानी कि आने वाले समय में आप इस सड़क को, आप इस रामपुर पंचायत में जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं जर्जर सड़क, वो सड़क पक्की होते हुए नज़र आपको आएगी। और यहाँ की लोग की जो समस्या है, इस सड़क से लेकर काफ़ी समस्याएं थी रामपुर पंचायत के लोगों की, और रामपुर पंचायत के लोगों के बगल में रोपण पंचायत भी पड़ते हैं, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये जो मार्ग है, ये मार्ग सीधे जामतरा को भी जोड़ने वाली मार्ग, यानी साहेबगंज रोड को भी जोड़ने वाली मार्ग है। तो इसी में आज सरकार की पहल से और यहाँ ग्रामीणों की गुहार से और यहाँ के जो विधायक हैं माननीय श्री मथुरा प्रसाद महतो जी के संज्ञान से सड़क बनी प्रक्रिया में आ चुकी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में, आने वाले दिन में रामपुर पंचायत में जितने भी सड़क खराब पड़े हुए हैं उन सब के मरम्मति भी हो जाएगी। हमारे साथ ग्रामीण, हम ग्रामीण से जानेंगे कि ग्रामीणों में क्या खुशी की लहर है। हमारे साथ पहले जानते देखिए, क्या नाम हो आपका? सड़क जो समस्या थी आप लोगों की सबसे ज़्यादा रामपुर पंचायत में, कि इससे पहले 2 सरकार भी चली गई, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, उनके पूरे 5 साल कार्यकाल में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उनके पूरे रघुवर पूरे कार्यकाल में सड़क नहीं बनी। लेकिन अभी झारखंड सरकार के कार्यकाल में सड़क बनने जा रही है, वो भी आप लोगों का लाख प्रयास से। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी काफ़ी मशक्कत की, काफ़ी प्रयास किया, उन्होंने भी
सड़क को बनने में आप लोग भी काफी गुहार लगाए। आज प्रक्रिया ये है कि आज सड़क बनने प्रक्रिया में स्टार्ट हो गया पुनः, यानी कि आने वाले दिनों में पूरे सड़क बन जाएगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? जय जय मोरारी जी, कुछ नहीं, हम लोग को बनना चाहिए बढ़िया रोड, और क्या बोलेगा, ठीक होगा। जो समस्या है उस समस्या से निजात आप लोग पाने वाले हैं, इसके लिए सरकार को क्या बोलना चाहिए? सरकार को कुछ बनेगा हमारे साथ, क्या बोलेगा हमारे साथ? रोड जो बनाए जा रहे हैं, इसको हम यह बोल सकते कि साइड इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है ठेकेदार जी, हम उनसे जानेंगे प्रक्रिया के बारे में। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुंशीराम महतो है। सर इससे पहले भी सड़क बनाया गया थे, आज से हम 15 साल के पहले बात कर रहे हैं, उस टाइम से काफ़ी घोटालाबाजी वाला काम किया गया था सड़क में, जो कि सड़क का जो ढांचा है वो 3-4 साल में सड़क पूरी तरीके से टूट गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करने पड़ा लगा, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दी। लेकिन आज ये है कि लगभग 15-20 सालों के बाद ये सड़क फिर से बनी जा रही है, तो इस बार से जो आप लोग सूत्रों से कि आपके अंदर से वो काफी तो इस पंचायत में आप जो काम करवा रहे हैं इसके बारे में कि कितना हद तक सही काम होगा, जो अगले 100% सही काम होगा। और आज हम 22 साल का अनुभवी हैं, जहाँ काम किए हैं वो आज तक तो खराब काम नहीं हुआ है। बगल में वो पुल बनाए हैं विशेष प्रमंडल से, आज तक खड़ी है इसी पंचायत में रामपुर पंचायत में, और अच्छा काम किए हैं और आगे भी अच्छा ही काम करेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे साथ जो ठेकेदार साहब है, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कि जो साइड इंचार्ज जो काम को देख रेख कर रहे, जो काम को देख रेख लगे हुए हैं यहाँ पे, हम जब आए यहाँ पे तो तमाम वो अधिकारी या फिर वो लोग जो होने चाहिए कि एक रोड बनने की प्रक्रिया में जो होने चाहिए, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद दिखे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ठेकेदार कहीं अलग से है या फिर काम को देख रेख करने वाले कोई नहीं है, यहाँ पे सभी लोग मौजूद है। आपने भी सुना कि इससे पूर्व के बाद में ठेकेदार जो काम करके गया था, ठेकेदार कितने घटिया किस्म का काम करके था, आलम यह था कि वो सड़क 3-4 साल टूट के गड्ढे हो गए। लेकिन यहाँ पे कहना है कि हमने जो भी इससे पहले इनका जो अनुभव है कि जितने भी काम किए, आने वाले समय भी इस पंचायत के लिए हम अच्छे रोड बना के देंगे पंचायत वासियों को, और इससे एक चीज़ जाहिर हो गया कि आने वाले समय में पंचायत वासियों को जो कठिनाई है, जो तकलीफ है, वो दूर होने वाले हैं। इसी के लिए आप झारखंड और देश के लिए तमाम खबरों के देखने के लिए देखते रहिए गणतंत्र न्यूज़। कैमरामैन के साथ मोहम्मद फारूक अंसारी, ब्यूरो रिपोर्ट, गणतंत्र।